अगली की कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या है जी? पार्टिसिपेट करना सर, पार्टिसिपेट करना, हिस्सा डालना। लाइफ के बारे में कहा जाता है कि लाइफ इज लाइक एन इको, इको कहते हैं बाज गश्त को। आपने देखा कि बाजों का साउंड सिस्टम में उन्होंने इको ऑन की होती है तो आवाज गूंज के वापस आती है, वो कहता है हेलो तो आवाज आती है हेलो हेलो हेलो, ऐसे है ना, इसे बाज गश्त या इको कहते हैं। तो कहते हैं कि लाइफ इज इको, ऑल कम्स बैक, द गुड द बैड द फास्ट द ट्रू, जो आप दुनिया को देते हैं वो वापस आता है। इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी ही एक किताब की एक कहानी है। कहते हैं कि एक साहब अपने बच्चे को लेके पहाड़ी इलाके की सैर के लिए गए। वो सैर कर रहे थे तो बच्चे का पैर स्लिप हुआ, वो नीचे गिरा, उसके मुंह से बेसाख्ता आवाज निकली आह, पहाड़ से आवाज गूंज के आई आह। बच्चा चौंका, उसने कहा तुम कौन हो, आवाज आई तुम कौन हो। बच्चा कहता सामने आओ, आवाज आई सामने आओ। बच्चे ने ना गुस्से में जमीन पर थूका, कहता है थू, आवाज आई थू। बच्चा कहता है बुजदिल, आवाज आई बुजदिल। बच्चा बड़ा परेशान, वो कहता है अब्बाजान ये क्या है। उसके अबू कहते हैं मैं बताता हूँ। उसके अबू ने आवाज दी शाबाश तुम कर सकते हो, आवाज आई शाबाश तुम कर सकते हो। बाप ने कहा तुम एक अच्छे इंसान हो, आवाज आई तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम एक चैंपियन हो, आवाज आई तुम एक चैंपियन हो। बच्चा कहता है मैं अभी भी नहीं समझा। बाप कहता है कि बेटा लोग इसे इको या बाजगश्त कहते हैं, मैं इसे जिंदगी कहता हूँ। जो तुम जिंदगी को दोगे जिंदगी वही तुम्हें लौटाएगी। अपना बेहतरीन जो आपके पास है उसका बेहतरीन, बेहतरीन स्किल्स, बेहतरीन रिसोर्सेज, बेहतरीन सिंसियरिटी, जो कुछ भी है, अगर अपना बेहतरीन दुनिया को देंगे तो दुनिया को क्या देगी? बेहतरीन। अगर आप अपना एवरेज दुनिया को देंगे तो दुनिया को क्या देगी? आप दुनिया को झूठ देंगे तो दुनिया क्या देगी? दुनिया को सच्चाई देंगे तो दुनिया क्या देगी? ऑनेस्टी देंगे तो क्या देगी? और चीटिंग देगी तो क्या देगी? रिस्पेक्ट देंगे तो क्या देगी? डिसरिस्पेक्ट देंगे तो क्या देगी? बात क्लियर है? तो जो आप दुनिया से चाहते हैं आपको वही दुनिया से, दुनिया को पहले देना होगा। उसके अलावा क्या लोगों की जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करना, लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं। लेकिन क्या हम सबकी जिंदगी तब्दील कर सकते हैं? ये इख्तियार है हमें, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। बड़ा मारूफ वाकया है, कहते हैं कि वक्त के एक बुजुर्ग को जालिम बादशाह ने आग में डालने का फैसला किया। हजारों मन लकड़ी का सैकड़ों फुट ऊंचा चबूतरा बनाया गया। उसे आग लगाई गई तो उसके शोले कई सौ फुट तक बुलंद होते थे, कई मील दूर तक उस आग की तपिश को महसूस किया जा सकता था। हजारों मील दूर एक हुदूद को पता चला कि जालिम बादशाह वक्त के एक नेक इंसान को आग में डाल रहा है। वो फौरन तालाब में गया, तालाब पे गया, पानी का कतरा लिया, चोंच में डाला और प्रवास करनी शुरू कर दी। रास्ते में एक शाहीन मिला, उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि वो जालिम बादशाह फलाने बुजुर्ग को आग में डालने के लिए जा रहा है, मैं पानी लेके जा रहा हूँ ताकि उस आग को बचाऊं। उसने कहा एक मिनट ठहरो, कहाँ पे हो रहा है ये वाकया? उसने कहा यही कि 10,000 मील दूर। वो कहते हैं तेरा दिमाग ठीक है, पहली बात तो ये कि तुम्हारी ताकत प्रवास इतनी नहीं कि तुम 10,000 मील का सफर कर सको, प्रवास कर सको। अगर बिलफर्ज तुम वहां पहुंच भी गए तो तुम्हारी चोंच में मौजूद पानी का ये एक कतरा हजारों मन जलती हुई लकड़ी को नहीं बुझा सकता। ये बेसूद है, ये हमारे पास की बात नहीं है। यहाँ बैठ जाओ, बस दुआ करो कि अल्लाह बेहतर कर दे, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के काम है, हम दखल देने वाले कौन होते हैं। हुदूद ने कहा तूने ठीक कहा, वाकई ना तो मेरी ताकत प्रवास इतनी है कि वहां पहुंच सकूं और ना ही ये कतरा उस दहकती हुई आग को बुझा सकता है। मगर मैं ये चाहता हूं कि क्यामत के रोज जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक से सवाल करे कि जब मेरे उस महबूब आदमी को आग में डाला जा रहा था तो तूने क्या किया, तो मैं कहूंगा कि या अल्लाह तूने मुझे जितना वजन उठाने की सलाहियत दी मैंने उतना पानी उठाया, तूने मुझे जितनी ताकत प्रवास दी मैंने उस सिमत में उतनी प्रवास की। मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखो, ठीक है ना। हम जो छोटा सा अमल करने के लिए जा रहे हैं वो सोसाइटी में कितने नतायज पैदा करेगा, इससे बालातर होके हमें अपना हिस्सा डालना है। रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से आएगा ना, हमें अपना काम हर हाल में करना है।